इन लोगों को उड़ा देंगे माता से लोगों, पता है गाइस जो ट्रैवल करते हैं ना फोन पर बात करते करते। तो और लोंडो क्या हाल चाल, फिर से वेलकम न्यू ब्लॉग में। और यार अभी जा रहे यार, थोड़ा मन नहीं लग रहा था ऐसे ही रूम में पड़े थे, बोर लग रहा था हम लोग को, तो अभी जा रहे यार मेन रोड से, थोड़ा सामान परचेज वगैरह करना है फ्रेंड का, तो यहाँ से कंटिन्यू करते राइड गाइस। वैसे बोर टाइप में लग रहा थोड़ा, तो सोचे थोड़ा घूम फिर क्या है। और ये मेरा बैटरी इसको देख रहे हो ना, थोड़ा स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा है। चलो गाइस ब्लॉग को एंजॉय करो लोंडो। और देख रहा हूँ ना, मतलब निकले अभी और बारिश थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, क्या ही बोल सकते हैं बारिश से गाइस, अलग ही परेशान है यार बारिश से, हम तो बहुत ज्यादा ही परेशान है बहन चोद बारिश से यार। और इसको सर्विसिंग भी कराना है हमको यार, सर्विसिंग टाइम हो गया ज्यादा नहीं, कल परसों यार फिर करवाते हैं सर्विसिंग यार इसका। बस बारिश पसंद है हमको यार, ये जब निकलते हैं जो बार बार बारिश होने लगता है ना बहन चोद, बहुत गुस्सा आता है सबसे यार। बस निकल गए यार शाम से, हमको बोरिंग फील हो रहा था, थोड़ा दोस्त का भी काम था, सोचे यार थोड़ा सामान ले लेते उसके लिए, क्योंकि बेचारा बहुत दिन से बोल रहा है मेरे लिए, वो क्या बोलते हैं उसको मोबाइल होल्डर रहता है ना, मोबाइल का जो होल्डर बाइक में जो यहाँ लगता है, वो परचेज करना उसके लिए, क्योंकि घर तरफ कोई मिलता है नहीं, तो शायद 23 से 24 घर जाएंगे हम यार, उसके लिए परचेज कर लेते हैं, ले जाएंगे उसके लौंडे के लिए, परेशान हो गया बोल बोलो यार कब ला दे कब ला दे, कितने बिजी रहता है, मतलब भोसड़े के लेके आने का खाली टेंशन मत लो। चलो गाइस थोड़ा आर एन फाइव यार अपना रिव्यू दे देते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आर एन फाइव के लिए। तो यार देखो बाइक तो यार बहुत अच्छा, आर एन फाइव बहुत अच्छा बाइक है, मतलब हमको अगर 150 सेकंड में कोई बेस्ट बाइक लगता है मार्केट में, तो यार इससे बेस्ट बाइक तो हम कोई मान ही नहीं सकता, चाहे वो इनिशियल पावर में हो, मतलब कोई भी पावर में यार, या माइलेज के मामले में ले लो, कुछ भी बोल लो, है तो परफेक्ट यार थोड़ा। और बस इसका खराब बस ये लगा कि यार इसका थोड़ा नाइट लाइट बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है नाइट लाइट, लाइटिंग बहुत ज्यादा खराब है इसका यार, मतलब यामाहा वाले को थोड़ा यार इम्प्रूव करना चाहिए थे इसमें, क्योंकि जो रात का लाइट है वो बहुत खत्म लाइट है यार, इतना गंदा लाइट देता है इसमें ना, कि अगर हाईवे वगैरह पर सफर कर तो ठीक है चलो रोड के साइड तो लाइटिंग रहती है उससे पता चल जाता है, बट ऐसे अगर नॉर्मल में वन वे है अगर और ऐसे ट्रैवल कर रहे हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम करता है, सामने दिखते ही नहीं है बहन की क्या है नहीं है। तो ये पर्सनल ओपिनियन था मेरा यार, जितने भी आर एन फाइव वाले बंदे हैं जो ओनर है उसको चला रहे हैं उसको पक्का पता होगा यार ये बात कि ऐसा सीन आर एन फाइव के साथ, बाकी और मामले में ले लोगे तो फिर माइलेज में तो यार एक नंबर माइलेज, अगर माइलेज मेरा बाइक देता है तो यार नॉर्मली अगर चलाएंगे यार हम 70-80 चलाएंगे बाइक पे तो दे देता है आराम से यार, 50 देता है माइलेज, 50-51 देता है माइलेज, और बाकी सर नॉर्मल अगर स्पीड में चलाएंगे तो फिर भी कितना भी चलाएंगे 45 तक देता है यार नॉर्मल, इतना देता है यार। ये चीज सही है इसका कि माइलेज बहुत अच्छा है, प्लस पावर की बात करें तो यार वीवीए जब एक्टिव हो तो उसके बाद तो यार जानते ही हो 200 cc बाइक का यार कितना इजीली पीछे छोड़ देता है किसी का भी, तो 200 cc वाले का तो बाप है गाड़ी यार, इतना तो मानते हैं ये गाड़ी को, बस चलाने वाला मिल जाए आराम फैक्ट उसके बाद तो अच्छे अच्छे बंदे को रुला देगा यार, अच्छा अच्छा बाइक को रुला देगा यार। ये पर्सनल ओपिनियन था मेरा इस बाइक को लेकर, बाकी बाइक में तो है फील है गाइस बहुत अच्छा फील है यार, चलाने में मजा आ जाएगा, अगर चाहते हो परचेज करें 150 सेगमेंट में कोई बाइक है तो फिर अगर नेकेड लेना है तो फिर एमटी ले लो, और ऐसे फेयर वाले लेना तो यार यामाहा ले लो, आर एन फाइव ले लो, फिर हम तो यही सजेस्ट करेंगे गाइस, क्योंकि इसमें फील है गाइस, प्लस ड्यूल चैनल एबीएस मिल जाता है, क्या नहीं चाहिए बाइक में, सब चीज मिल जाता है, टीसीएस मिल जाता है, क्यूब शिफ्टर मिल जाता है, सब चीज मिल जाता है इसमें तो। देख रहा है रात का लाइट घंटा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं थोड़ा सा बहुत कम यार, इसके लिए एक्स्ट्रा लाइट लगवाना पड़ता है यार बाइक में, एक्स्ट्रा लाइट लगवा कर फिर एक्स्ट्रा पावर कंज्यूमिंग करेगा, वो बैटरी प्रॉब्लम करेगा फिर यार, तो यामाहा वाले को यार ये चीज सोचना चाहिए यार, क्योंकि इतना अच्छा बाइक बनाया है यार उसमें लाइट चाहिए था गाइस, बहुत कम लाइट है इसमें, बहुत कम लाइट, मतलब हमको तो पर्सनल अगर पूछोगे तो बहुत घटिया लगा इसका यार लाइट, तो बहुत घटिया आर एन फाइव का, बहुत ही घटिया, V3 का तो पता नहीं क्या सीन है बट V4 का तो बहुत घटिया यार,
एक्स्ट्रा लाइट मतलब नीड है इसमें, चाहिए होता यार। बिना एक्स्ट्रा लाइट के यार इसमें ट्रैवल करना बहुत मतलब ये होता है अंदाजे में चलाना अपना अपने हिसाब से, वो करना पड़ जाता है फिर यार इसमें। और जानते हैं गाइस थोड़ा गला बैठा हुआ, थोड़ा अगर अजीब टाइम में लगे तो इसके लिए सॉरी यार, पता ही थोड़ा गला बैठा हुआ मेरा, ये महादर्श और बारिश की वजह से मेरा गला का थोड़ा बैंड बज गया है। देख रहे बच गया लड़का, बच गया, अभी एक्सीडेंट हो जाता है देख रहे हैवी ड्राइवर स्प्लेंडर वाले देख रहे हो ना क्या ही कट मारा था यार स्प्लेंडर वाला होंडा, मजा आ गया देख के। क्या ही बचा यार, अभी तो घुस जाता है गाड़ी के नीचे क्योंकि यार स्प्लेंडर में तो यार एवीएस वगैरह रहता नहीं, बट लॉर्ड स्प्लेंडर गाइस लॉर्ड, ऐसे इसको लॉर्ड नहीं बोला जाता है, चलाने वाले बस हैवी ड्राइवर रहना चाहिए गाइस, जो कि लौंडा था भी हैवी ड्राइवर, देखा किस तरह बचा गाइस देखो ना। बस पहुंच गया मेन रोड साइड, बस मेन रोड ही आना था गाइस हमको, मोडिफाई शॉप पर चलते हैं वहां पे सामान परचेज करते हैं और जाएंगे रूम वापस, क्योंकि यार बारिश का तो कोई भरोसा नहीं है, ऐसे गला बैठा हुआ मेरा, नहीं चाहते कि और मेरा गला वाला बैठ जाए पूरा। देखो गणेश भगवान का दर्शन कर लो गाइस, गणपति बप्पा मोरिया, देख रहे हैवी ड्राइवर देख रहे हो ना, वाह भैया एक नंबर, उड़ा दीजिए यार हम तो यही बोलेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में यार, सामान वामान लेके मिलते हैं, ब्लॉग थोड़ा करेंगे पॉज क्योंकि हमको चाहिए सामान, यहाँ से सामान लेने आए भाई यहाँ पे। तो बस यार यही, बस हमको फ़ोन होल्डर लेना था इसका, मेरा फ्रेंड का बाइक में लगाया गया यार, ये वाला शॉप है यहाँ से लिए मेन रोड पे आके, क्योंकि उसका फ़ोन यार होल्डर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उसका यार, क्योंकि चार्ज का सिस्टम दिया हुआ ना जानते यार, हंटर में सारा चार्ज का सिस्टम दिया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके लगेगा वो चीज़, ऐसा करके बैठेगा और फोन होल्डर लगेगा। तो चलो गाइस फिर निकलते हैं यहाँ से, हो गया बहुत बकचोदी, रोड का एंजॉय करते थोड़ा, चलो ऑनडो हो गया सामान लेना मेरा जो भी लेना था यार, अब चलते हैं रूम। बहुत शॉर्ट्स ब्लॉग होने वाला है, बहुत छोटा सा ब्लॉग था ये, नेक्स्ट टाइम और लंबा ब्लॉग करेंगे, बस ऐसे ही शाम को मन नहीं लग रहा था यार तो निकल गए, सोचा दोस्त का काम भी करवा लेते हैं, तो बस छोटा ब्लॉग होगा ये, मतलब होगा 5-6-7-8 इतना मिनट का होगा, बस एंजॉय करो ब्लॉग को देखकर, सपोर्ट करते रहोगे ऐसे ही, तो हम चाहते हैं हर टाइम मेरा पब्लिक एंटरटेनमेंट करते रहे यार, हमेशा एंजॉय करे मेरा ब्लॉग देख के, बस यही मकसद रहता है ब्लॉग बनाने का गाइस, और बस सपोर्ट करते रहो यार, अच्छा लगता है सपोर्ट करते हो तो। और यहाँ से यू टर्न लेके चलेंगे रूम यार हम लोग, बहुत यार इसको ये थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता देखने में, कुछ हफ्ते ड्राइवर देख रहा ना गुटका का चला रहा लड़का बिना हेलमेट का, सर थूक रहा जहाँ तहाँ, और ये ट्रेंड्स मॉल देख रहा चूतिया मॉल है गाइस, मत खरीदना कपड़े वगैरह यहाँ से कभी, ट्रेंड्स और वीटू दोनों वही है, ये कैसा गाड़ी बना दिया देख रहे हो गाइस, मतलब डब्बा बना दिया पूरा बे, देख रहे हो ना बैटरी वाला कार, क्या नाम है इसका कार का पता नहीं यार, कैसा डब्बा दिखता है इस तरह, वैगनार वगैरह लगता है हम लोग को यार जो डीजल पेट्रोल की गाड़ी है। कौन कौन हेट करते हो गाइस बैटरी व्हीकल से कमेंट कर दो जल्दी से, हम तो पर्सनली बहुत हेट करते हैं, कौन ऐसा गाड़ी चलाता है व्हीकल यार बैटरी वाला, छी वैन चो तो बिल्कुल पसंद नहीं यार बैटरी वाला व्हीकल, थोड़ा सा भी पसंद नहीं है हमको, इससे अच्छा पैदल चल जाएंगे जो सही है वहन चो, लेकिन बैटरी वाला व्हीकल कभी नहीं चलाएंगे यार, इससे अगर सिग्नल में फंस गया इसम नॉर्मल इधर यार बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। कब तक खुलता है गाइस बस वेट करना और क्या, तो लाल से ग्रीन हो जाओ, अरे बिना लाल में सब निकल जा रहे हैं, पहले निकल जा रहा है बहन चोरी क्या था गाइस देख रहा था, बिना रेड बिना ग्रीन सिग्नल हुए सब निकल जा रहा है यार बहन चोरी क्या था, ओ भैया पहले बात कर लो, गाड़ फटा पड़ा भाई तो पीछे से कोई मार ना दे देख रहे हो ना,
देखो भाई, देख रहे ब्लू लाइटिंग कितना प्यारा दिख रहा है रोड पे, लाइटिंग ही लाइटिंग है खाली यार, तो देख रहे हो ना। इसको उसको लाइटिंग पसंद आ रहा है गाइस, लाइक कमेंट कर दो यार जल्दी से। इन लोगों उड़ा देंगे मादर्स लोगों, पता है गाइस जो ट्रैवल करते ना फोन पर बात करते करते, देखना लंड है गाइस की गाड़ी आ रहा है क्या आ रहा है, देख रहा है फिर भी बहन चो क्रॉस कर देना। अरे हटिए जी, सुन लीजिए आवाज लवड़े बाल लोग, पता नहीं कौन सा नशा में रहता गाइस, लोग समझ में नहीं आता उनको यार। देख रहे हो आर्यन फाइव का लाइट, घंटा कुछ नहीं दिख रहा है गाइस, कुछ नहीं दिख रहा है, बस दूसरा गाड़ी के लाइट में दिखना पड़ता है यार। इसमें बहुत खराब लाइट दिया गया यार, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए था यार लाइट में। तो गाइस चाहते हो कि हम आर्यन फाइव के ऊपर पूरा फुल रिव्यू के साथ वीडियो बनाए, ब्लॉग बनाए पूरा फुल डिटेल्स के साथ, मतलब पूरा अच्छे से सब चीज रिव्यू करें कि मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ हमको बाइक में लेने पे, क्या बेनिफिट्स है आर्यन फाइव लेने पे, क्या मतलब डिसएडवांटेज है लेने पे, क्या है नहीं है सीन, तो सारा अगर चाहते हो कि सारा ब्लॉग में बनाए एक बार मेंशन कर दे अच्छे से तो यार कमेंट कर दो। तो इसके लिए एक स्पेशल ब्लॉग बनाएंगे फुल रिव्यू ऑफ आर्यन फाइव का, तो चाहते हो ऐसा कोई वीडियो ब्लॉग आए तो मेरा, तो फिर यार कमेंट कर दो, फटाक सा ब्लॉग बना लेंगे हम यार। ये सब कंटेंट तो है नहीं मेरा, अगर चाहते हो तो फिर तुम लोग चाहते तो जरूर बनाएंगे गाइस, और फुल फ्रस्ट्रेशन के साथ बनाएंगे बहन चोद, अगर चाहते हो तो यार बता दो, कमेंट कर दो लॉन्डो। देखो गेट वेट खोल दे रहा है यार इन लोग, अरे यार इन लोग मादर से लोग क्या बताएं यार, ऐसे रोड पे गेट मत खोला करो यार प्लीज, तो पीछे से आगे से आ रहा है उसको बहुत प्रॉब्लम होता है यार, समझता नहीं है बहन जो जहां तहां गेट खोल देता है यार। तो गाइस अभी के लिए इतना यार, छोटा सा ब्लॉग था बस, ऐसे ही शाम से को मन नहीं लग रहा था निकल गए थे यार, तो अगर पसंद आया तो यार लाइक मार दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब मार दो यार। चलो फिर लॉन्डो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।